हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मुना कहती है, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। तो अभी ये है कि आज मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा। सुबह से मैंने कोई काम ही नहीं किया है, मतलब बस बच्चों को नाश्ता दे करके भेजा है, खिला करके। पता नहीं आज मम्मी को जोश चढ़ा था, मम्मी ने सारा काम कर दिया है। मम्मी ने दाल बना दी है और आज मैं मम्मी ने बैंगन का भरता बनाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जो जो किचन में हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ, जा रही हूँ रोटी सेकने, और चावल बिठा दिया मैंने एक तरफ और एक तरफ। ये हुआ है ना कि आज नो नाश्ता, आज सीधे भोजन होगा, खाना सीधे खाना खाया जाएगा। तो ये देखिए, अभी तो ये अपना काम कर रही हैं। और ये उबाल दिया गया है आंवला, इसका मैं अचार बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि वो फिर यूज नहीं हो पाता है। और इधर देखिए चावल बैठा हुआ है और तवा रख दिया मैंने, अब जा रही रोटी बनाने। और इधर मैं दाल में अपना प्याज टमाटर वाला तड़का दूंगी। ये बन गई है दाल, इसको तड़का दे देंगे। और ये है बैंगन का भरता, चोखा, चोखा बनाएगा इस चोखा। अभी इसमें मुझे थोड़ा सा धनिया डालना पड़ेगा, धनिया नहीं पड़ा है। सीधे खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपना खाना वाना लेकर के। और ना मैं सीधे खाना ही खा रही हूँ, आज ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। और खाने में है ये देखिए, वही वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाया अभी, चोखा आलू बैगन का, और लोग भरता भी कहते हैं। और ये सुबह कल रात वाली केले की सब्जी जो बनाई थी, दाल और एक पराठा, और थोड़ा सा चावल भी मैंने अभी ले लिया, चावल बना लिया मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ खाने, पांडे जी खा चुके, मम्मी भी खा चुकी हैं, मेरी बारी है। मैं जल्दी जल्दी चाय पी रही हूँ फ्रेंड्स। हम लोग चल रहे हैं शॉपिंग करने के लिए विशाल में, थोड़ा सा मुझे हुडी वुडी लेना है, मिठी को भी कुछ लेना है, लोअर वगैरह ठंड के लिए। तो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और नहीं तो मैं, ये कैसा लग रहा था बताइएगा। और एक और है ये पहनूं, ये कैसा लग रहा है? मैं तो ये दिल्ली से लेकर आई थी, मुझे तो बहुत पसंद है। मीठी दे नहीं रही थी, हथियार लेती है हर चीज में। मम्मी प्लीज, दे नहीं रही थी, ये क्या है? दे रहे थे, दे रही थी, दे दिया मेरी बिटिया ने। कैसा लग रहा है मिठी? अच्छा लग रहा है, पहन के चलूं? लेकिन पता नहीं क्यों आ गया, कैंसिल हो गया उसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैं ये पहन रही हूँ बिकॉज वो बहुत दिन बाद मैंने ये येलो वाली कुर्ती निकाली है, जो कि मुझे अच्छी फिटिंग आ रही है इसकी। मैं मोटी हो गई हूँ, इसका मतलब कन्फर्म है गाइज, मैं मोटी होती जा रही हूँ, होती जा रही हूँ। मगर मैंने पांडे जी से कहा कि मैं मोटी हो रही हूँ, तो बोले क्या हो गया, थोड़ा सा हो जाओ मोटी। और गाइज मैं अपना लुक आप लोग को दिखाऊंगी ना, तो इट्स सो कंफर्टेबल। मैं सही में मैं बोल रही हूँ, दिखा दू, लो मैं दिखाऊँ बोरा को, देखिए गाइस बोरा। और इस नीचे अभी पहनेगी स्लाइडर, कह रही मम्मी मुझे ऐसे ही एकदम कंफर्टेबल वे में जाने का। तुम एक काम करो, टॉप आउट करो, मतलब बाहर करो टॉप को। अब देखो ये ठीक लगेगा, आप तुम खुद देख लो, अभी अच्छा लगेगा। फिटिंग करानी पड़ेगी मुझे, नहीं लेकिन अब टॉप बाहर रह रहा ना तो अच्छी लग रही हो। हाँ। बोरा कभी कभी जानी चाहिए ऐसे इजी वे में। हाँ यार, इसको कोजी कोजी लुक चाहिए था। मैंने शूज, तभी हम लोग निकल चुके हैं। नीचे मैंने शूज, ये तो मेरा है यार, ठंड वाला, तुम क्यों पहनी हो? मेरा ये क्या हरकत है यार, सोच अपना पिंक वाला पहन ले। चलो Now guys, let's start मोटो व्लॉगिंग। मीठी भी करेगी ना, मीठी भी करेगी मोटो व्लॉगिंग। एक हाथ पकड़ लाइए दीजिए, नहीं आप फोन बोलिए, मैं ले रही हूँ ना फोन, मैं पकड़ रही हूँ। मम्मी मेरा बोलिए गाइस, देखिए इसका जो है ना मोरल यहाँ पे आके हाई हो जाता है, और यहाँ पे इसका स्पीड बढ़ जाता है अभी। ये ठंड में तो बड़ा मजा आ रहा है यार, इट्स सो कूल। बहुत दिन बाद निकले हम लोग हाँ, बहुत दिन बाद निकले हैं। थोड़ा तेज बोलो यार, सुनाई नहीं देगा। बहुत दिन बाद निकले हैं, कब निकले थे हम लोग लास्ट टाइम? कब निकले थे? वड़ा पाव। हाँ तो अभी हो गया था कुछ दिन, ऐसा नहीं है। चलो गाइस, शायद देखो तो कल मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है। कहाँ? पहले अभी जहाँ जा रही हो वहाँ चलो, रास्ते ऊंचे नीचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, गड्ढेदार हैं, तो बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है।
हूँ सड़कों पे। आज मैं ऐसे चला जब तक की नई सिटे ना आ जाए। हाँ आज मैं बहुत तेज चलाऊंगी, भले गिरे जाएगा, गिरा क्या तो गिरा जाएगा। नहीं नहीं गिरना नहीं है, आज तक तुम गिरी नहीं रहो, मान लो तुम्हारे नए नए बच्चे हैं, गिरोगी तो सही रहेगा ना, एक बार तो गिरना। मैं अपना हाथ पैर तोड़ लूँ, मैं अपना हाथ पैर तोड़ लूँ और उसके बाद से तुम लोग अपना दिल लेना। तब नहीं यार, लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी मेरा हाथ पैर टूटने के बाद से। चलो उसको तोड़ना है मेरा हाथ पैर। देखिए गाइस इतना तेज चला रही है लड़की ना, मैं क्या ही बताऊं उसको। देख देख नहीं, जब खाली जगह देखो फिर थोड़ा सा उड़ाओ, फिर रुक जाओ, फिर थोड़ी खाली जगह देखो फिर थोड़ा सा उड़ाओ। सब लोग हमें पागल देख रहे हैं, सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम लोग क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कैमरा लिया है इसलिए लोग हमें ऐसे देख रहे हैं। ऐसे हमें क्यों देख रहे हैं? एकदम मैंने लाश शर्म भया सब त्याग दिया है, मैं एकदम उतारू हो चुकी हूँ कि कब आप हमें एकदम से पसंद करने लगे और मैं फुल वायरल हो जाऊँ। ये 40 प्लस मम्मा होर्डिंग कर रही है और आप लोगों को इरिटेट कर रही है, बट प्लीज थोड़ा सा इरिटेट हो जाइए, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को इरिटेट करने में। तो मिस्टी की जो जुल्फे हैं नागिन की तरह लहरा रही हैं, उनकी वजह से मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, वो बार बार दब जा रहा है और ये चिल्ला रही मम्मी प्लीज मेरा बाल मत दबाओ, मेरे बाल छोड़ दो मम्मी। लेकिन ये नहीं बताया कि इनके बाल जो है नागिन हो चुके हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं। मैं लोगों को इरिटेट कर रही हूँ, ये मुझे इरिटेट कर रहा है। बाल आगे कर दो, बाल पीछे कर दो, सुनते सुनते कितना गंदा लगेगा आगे करोगी तो। कोई बात नहीं, गंदा लगेगा। एक खासियत मैंने मीठी के अंदर देखी है कि किसी चीज का इसको ये नहीं है कि चलो ठीक है ऐसे ही निकल पड़ते हैं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं अच्छा लग, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है, मैं ऐसे जा सकती हूँ। मतलब उसको ये नहीं है कि हाँ मैं खराब लग रही हूँ या तो उसको कैसे भी निकल जाना। हाँ इनको निकालने की बहुत जल्दी थी, निकालना निकाला चले निकल जा, निकल ले निकल ना ले, एक्चुअली में निकल लेगा। मम्मी किधर मुड़ना है? इधर मुड़ना है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें नहीं पता है कहाँ जाना है? गई हम लोग विशाल मेगा मार्ट में जा रहे हैं, हम लोग बार बार उसकी बुराई करते हैं फिर हम लोग उसी में जाते हैं क्योंकि वो ही सबसे नजदीक है और ज्यादा दूर जाने के लिए फिर वो जो मेन मतलब उधर रोड है ना, उस रोड पे इतनी ज्यादा ट्रैफिक रहती है इसलिए हम लोग उस वाले रोड से निकलते हैं। ट्रैफिक की वजह से भी मुझे गुस्सा लगती है। और ये भी बात है ना कि फिर थोड़ा जाना रहता तो ढंग से। हाँ यहाँ पार्किंग के लिए भी सही है ना मिस्टी, ये भी तुम नोटिस करो, अगर वी मार्ट में जाओ तो वहाँ पार्किंग के लिए सही नहीं है और यहाँ पार्किंग में अच्छे से हो जाती है, फिर भीड़ रहती है और आने में लेट हो जाता है। हाँ और न्यू कॉलोनी जैसा चार्ट कॉर्नर नहीं है। हाँ और इधर स्ट्रीट फूड भी है तो इसके भी मजे मिल जाते हैं मिट्टी को, इसको ज्यादा यही रहता है ना स्ट्रीट फूड का। वैसे आज हम लोगों को कुछ नहीं खाना है, कोशिश हम लोग यही करेंगे लास्ट तक, देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते। मन तो नहीं है आज फिलहाल, मेरा एकदम मूड नहीं है कि मैं अपना जो है डाइट डिस्टर्ब करूँ, मैं ठीक ठाक डाइट। हेलो गाइस, पहचान के देखा गाइस आपने लोगों ने क्या कहा, हेलो गाइस मैं भी उन लोगों ने पहचान लिया तो हेलो गाइस कैसे आपका, मैं गाइस तो नहीं मिलती, हाय फ्रेंड्स वेलकम। अरे वो हम बोलते हैं, अच्छा हेलो गाइस मीठी बोलती है, मीठी को टॉन्ट मार के चल दिए सर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी बहुत बार होगा। इनको देखो क्या था, फूल का भंडार लेके जा रहे। क्या जी? फूल का भंडार। अच्छा पुष्प भंडार वाला होगा ये, आज शादी है ना तो कहीं फूल जा रहा होगा। तो फाइनली अब हम लोग पहुंचने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट। ये गाड़ी सजी है गाइस, ये देखिए वाह, हंटर जीप सजी है, हंटर है, हंटर हंटर जीप थी, सुंदर लगती है। पता है हंटर जीप का ख्वाब किसका है? मामा को बहुत पसंद था, अब तो खैर मामा अब नहीं सोचते होंगे, बूढ़े नहीं भाई, ऐसे मत बोलो मेरे भाई को, समझी मेरा भाई उतरो सबसे महान। चलो